मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन मैथ्स क्लासेस। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एक्सरसाइज 11.4 मेंसुरेशन। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर हुज वॉल्यूम इज 1.54 मीटर क्यूब एंड डायमीटर ऑफ द बेस 140 सेंटीमीटर। कहा जा रहा है कि एक सिलेंडर है जिसकी हाइट निकालना है आपको। सिलेंडर को अगर देखते हैं तो ये एक क्या है, सिलेंडर दिया हुआ है, ये एक सिलेंडर दिया हुआ है जिसका हाइट आपको फाइंड करना है, हाइट फाइंड करना है। हुज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इसका वॉल्यूम दिया है 1.54 मीटर क्यूब एंड डायमीटर ऑफ द बेस, बेस जो ये है इसका डायमीटर दिया हुआ है 140 सेंटीमीटर। तो आपको फाइंड करना है हाइट। तो हम देखेंगे इस क्वेश्चन में फर्स्ट क्या है, ये जो मीटर में दिया है और ये सेंटीमीटर में दिया है, वॉल्यूम दिया है इससे, डायमीटर अगर दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है इससे रेडियस निकाल लेंगे और हाइट फिर निकालेंगे। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे इसको, सॉल्यूशन इसका हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच होता है, बट हमको इसमें डायमीटर दिया हुआ है तो रेडियस इक्वल टू 140/2 सेंटीमीटर और ये जो आएगा आपका 70 सेंटीमीटर। इसको जब मीटर में चेंज करेंगे तो 70/100 मीटर ये लिख सकते हैं रेडियस, ये आपको रेडियस निकल गया। वॉल्यूम दिया हुआ है 1.54 मीटर क्यूब इक्वल टू पाई वैल्यू 22/7 आर, आर का वैल्यू आया आपको 70/100 इंटू 70/100 इंटू एच, एच फाइंड आउट करना है। तो आप इसको अगर h का वैल्यू निकालना है, ये 10 10 10 10 कैंसिल, अब ये जो आपको हो गया 7 7 कैंसिल, नीचे में क्या है 1.54 इंटू 100 डिवाइड 22 इंटू 7 इक्वल टू h, h का वैल्यू ये है। अब आप अगर इसको कैलकुलेशन करेंगे, ये 0 कैंसिल आउट, 00 आएगा, ये कैंसिल हो गया और 22 इंटू 7 जब करेंगे तो 154 आएगा, इसलिए हम इसको 1 मीटर, आंसर h क्या आ गया, हाइट 1 मीटर, सिलेंडर का हाइट क्या है 1 मीटर। तो इसको लिखेंगे दस द हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर 1 मीटर, ये आंसर आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, ए मिल्क टैंक इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर, एक मिल्क टैंक है जो सिलेंडर के फॉर्म में है, हुज रेडियस इज 1.5 मीटर एंड लेंथ इज 7 मीटर, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन लीटर्स दैट कैन बी स्टोर्ड इन द टैंक। कहा जा रहा है एक सिलेंडर टाइप से कुछ दिया हुआ है, टैंक है, मिल्क टैंक है, इसका जो रेडियस है, रेडियस दिया हुआ है 1.5 मीटर और इसका जो लेंथ है वो दिया हुआ है 7 मीटर। देखिएगा उसका जो लेंथ है वो 7 मीटर दिया हुआ है, तो लेंथ क्या हो जाएगा, ये हाइट हो जाएगा और ये रेडियस दिया हुआ है। तो और इसका जो मिल्क इन लीटर, लीटर में आपको स्टोरेज निकालना है, जब भी स्टोर किया हुआ तो वॉल्यूम होगा इसमें, तो वॉल्यूम के लिए हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ मिल्क टैंक, टैंक इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर क्या है,
1.5 × 1.5 × h वैल्यू 7। इस तरीके से जब इसको हम कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 7 कैंसिल, 15 और ये सब क्या हो जाएगा 10, और ये भी 10 लग जाएगा। अब आप इसको जब कैलकुलेशन कीजिएगा तो आएगा 49.5 m³। ये आपका वॉल्यूम आया, वॉल्यूम ऑफ मिल्क टैंक। बट इसमें कह रहा है फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन लीटर्स डैट कैन बी स्टोर्ड इन द टैंक। ये मीटर क्यूब में है वॉल्यूम, इसको हम लीटर में चेंज करेंगे। ये जो आया है आपका वॉल्यूम, ये टैंक का स्टोर, ये मीटर क्यूब में आया है। बट इसको क्या करेंगे हम, तो यहाँ से हम जानते हैं वी नाउ डैट 1 m³ इक्वल टू 1000 L। ये होता है 1 m³ इक्वल टू 1000 L। तो 49.5 m³ इक्वल टू 49.5 × 1000 L। ये हो गया। इसको जब हम करेंगे 10 कैंसिल आउट, इससे होगा 49500 L, 49500 L। ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ भी लिख सकते हैं 49500 L। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7। इफ ईच एज ऑफ क्यूब इज डबल, हाउ मेनी टाइम्स विल बी इट्स सरफेस इंक्रीज। कह रहा है किसी क्यूब का, एक क्यूब अगर दिया हुआ है, एक क्यूब पहले से दिया हुआ है ए साइड का, एक क्यूब है जो पहले से दिया हुआ है जिसका साइड क्या है, ए है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें कहा जा रहा है हाउ मेनी टाइम्स विल बी, अगर इसको हम डबल कर देते हैं, इसका एज को अगर डबल करते हैं, दूसरा क्यूब जो बनाते हैं वो क्या है, उसका एज जो ए दिया हुआ था वो 2a कर दिया गया, यानी 2a सारा एज हो जाएगा इसका। तो इसका जो सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया वो कितना टाइम्स इंक्रीज करेगा। तो हम पहला वाला को अगर निकालते हैं तो इसके लिए क्या करेंगे, दोनों के लिए हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट नंबर में कहते हैं इसको कि लेट इनिशियली एज ऑफ क्यूब बी एल। पहले हम क्या मान लिए, एज ऑफ क्यूब एल मान लिए साइड उसका, तो उसका क्या होगा, तो इनिशियली सरफेस एरिया इसका क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल टू, सरफेस एरिया क्या हो जाता है, 6L²। तो इसको हम लिखेंगे 6L² ये हो गया सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6L². अब इसको अगर हम डबल कर देते हैं तो इसका सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, तभी हम कंपेयर करेंगे। तो इसको हम डबल करते हैं, इफ एज ऑफ क्यूब, इफ ईच एज ऑफ क्यूब इज डबल देन सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल के जगह पे अब क्या कर दिया गया, देन यहां पे लिख देंगे देन सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल टू 6 × 2L² ये लिख सकते हैं। अब इसको हम लिखते हैं 6 × 2 2 = 4L² ये भी लिख सकते हैं। अब बताइए पहला जो था 6L² और दूसरा जो आया, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 6L² या 4 को इस तरह कीजिए 4 × 6L²
तो 6L² 6L² कितना टाइम्स इसमें इंक्रीज किया है, 4 टाइम्स। तो इसको हम लिखेंगे क्लियरली क्लियरली द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब विल बी इंक्रीज्ड इंक्रीज्ड 4 टाइम्स। ये हो जाएगा 4 टाइम्स। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी टाइम्स विल बी वॉल्यूम इंक्रीज। तो सेकेंड नंबर के लिए हम लिखेंगे इनिशियली इनिशियली वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू क्या होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, एल क्यूब एल क्यूब। देन जब इसको हम इसका डबल कर देंगे तो लिखेंगे व्हेन इट्स एज इज डबल देन एज 2L हो जाएगा, इसलिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब नाउ वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू L के जगह पे 2L होता है, 2L क्यूब हो जाएगा। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे 2 2 जा 4 2 जा 8, 8L क्यूब। अब दोनों में कंपेयर कीजिए, ये L क्यूब आया और ये क्या आया 8L क्यूब, यानी कितना इंक्रीज किया 8 टाइम्स। तो हम इसको लिखेंगे क्लियरली द वॉल्यूम ऑफ क्यूब विल बी इंक्रीज्ड इंक्रीज्ड 8 टाइम्स 8 टाइम्स। ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड का 8 टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, वाटर इज पोरिंग इनटू ए क्यूबाइडियल रिजर्वर एट द रेट ऑफ 60 लीटर पर मिनट इफ द वॉल्यूम ऑफ रिजर्वर इज 108 मीटर क्यूब, फाइंड द नंबर्स ऑफ आवर्स इट विल बी टेक टू फिल द रिजर्वर। कह रहा है एक रिजर्वर या टैंक आप जिसको बोल सकते हैं, एक रिजर्वर या टैंक इसको इस तरीके से एक टैंक दिया हुआ है आपको, इसमें वाटर फॉलो कर रहा आ रहा है वो 60 लीटर पर मिनट, और इस रिजर्वर का वॉल्यूम दिया हुआ है 108 मीटर क्यूब। तो आपसे पूछा जा रहा है कितने टाइम्स में ये रिजर्वर फुल फिल हो जाएगा। वॉल्यूम क्या दिया हुआ है मीटर क्यूब में, और ये जो लीटर पर इसमें क्या पानी वाटर आ रहा है। तो हाउ मेनी टाइम्स विल बी टेक द रिजर्वर फुल फिल या फिल ऑफ द रिजर्वर। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, आपको जो ये लीटर में दिया हुआ, या तो इसको आप लीटर में चेंज कर लीजिए वॉल्यूम को, तो उतना ही आपको लाना पड़ेगा। तो हम इसको करेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइडियल रिजर्वर रिजर्वर इक्वल टू दिया हुआ है 108 मीटर क्यूब। इसको अगर लीटर में चेंज करेंगे तो क्या बताए थे, 1000 से मल्टीप्लाई कीजिए लीटर में, तो 10,0100 लीटर। ये आ गया आपको
10,08,000 लीटर। अब ये जो लीटर में इसका वॉल्यूम हो गया 10,8,000 लीटर, ये वॉल्यूम हो गया। अब ये कितना 30 लीटर पर मिनट, बट आपसे पूछा जा रहा आवर्स में, कितने आवर्स लगेंगे। तो अगर हम इसको लिखते हैं, इट इज गिवेन दैट दैट वाटर इज बीइंग बीइंग पॉड पॉड एट द रेट ऑफ 60 लीटर पर मिनट। इसमें देखेंगे, लिखेंगे इट इज गिवेन दैट वाटर इज बीइंग पॉड एट द रेट ऑफ 60 लीटर पर मिनट। यहां दिया हुआ है पर मिनट वाटर कितना इसमें डाला जा रहा है, 60 लीटर, और आपको आवर्स में निकालना है। तो इसको अगर हम आवर्स में चेंज करते हैं, तो 60 लीटर इंटू 60 लीटर, 60 इंटू 60 लीटर, ये टोटल हो जाएगा इसका आवर्स में। और जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 36 लीटर पर आवर्स हो जाएगा। 1 आवर्स में कितना पॉड किया जा रहा है, 3600 लीटर, समझ गए। तो आपको टोटल कितना दिया हुआ है, तो टोटल टाइम इक्वल टू 10,8,000 लीटर डिवाइड 36 लीटर्स पर आवर। अगर इसको हम चेंज करते हैं, तो इससे डिवाइड करते हैं, तो आएगा आपको 36 से इसको डिवाइड कीजिए, तो 30 आवर्स। टोटल कितना टाइम्स लगेगा एक टैंक्स को फुल होने में, 30 आवर्स। ये एक्सरसाइज 11.4 कंप्लीट हुआ आपका।